कि खंबायु यज्ञिम शलिलम महिंच ज्योतिम से सत्वानि दिशो द्रुमादि सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यम। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आप मुझे पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को शिकारी नहीं पुजारी बनाओ। जिसको देखो उसी की पूजा उतार लिया करो अपने नेत्रों से। किसी को देख करके यदि आपके हृदय में हीन भावना आती है तो ये भी विचार करना जो मंदिर में मेरा स्वरूप है वो उसके अंदर भी है। यदि किसी के भी प्रति हीन भावना आपके भीतर है तो वो हीन भावना उस व्यक्ति के प्रति नहीं मेरे प्रति है। अष्टावक्र, आठ जगह से टेढ़ा था उसका शरीर, बहुत विद्वान था, लेकिन एक राजा की सभा में पहुंच गया। राजा की सभा में जैसे पहुंचा तो बैठे हुए अतिथियों ने उसको देख के हंसी उड़ा दी। अष्टावक्र वहां से जाने लगा। राजा ने प्रणाम की, क्षमा की, बोले प्रभु क्षमा कर दें। बोले क्षमा की क्या बात है, तुम लोगों ने मेरी हंसी नहीं उड़ाई है, मुझको बनाने वाले की हंसी उड़ाई है तुम लोगों ने। अष्टावक्र का कहना, किसी के रूप पर, किसी के गुण पर, किसी के कर्म पर आपको अधिकार नहीं है कि आप उसकी हिंसा करो, आप उसकी अवहेलना करो। वो कर्म गलत करता अपने कर्म का फल पाएगा, उसके गुण अच्छे नहीं है वो अपने गुण का फल पाएगा, उसका रूप अच्छा नहीं है तो इसमें उसका क्या दोष है। आप सबके प्रति अपनी समान भाव रखो। श्री विनोबा भावे से किसी ने पूछा, संत की परिभाषा एक शब्द में बताओ, तो विनोबा भावा कहते हैं जो खुद में अवगुण और सब में सद्गुण देखे वही संत है, और जो खुद में सद्गुण और बाकी सब में अवगुण देखे वही इस निश्वर संसार का एक छोटा सा तुच्छ प्राणी है, अपने में गुण देखता है। सदैव विचार करो, दूसरों में दुर्गुण खोजना बहुत आसान होता है लेकिन अपने दुर्गुणों को स्वीकार करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन याद कीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा सद्गुण यदि कोई है तो वो अपने अवगुण को स्वीकार करना। हाँ मैं, ये कमी है मुझ में, ये सबसे बड़ा सद्गुण है संसार का। भगवान कहते हैं सब में मुझको देखो, क्या पता सब में देखते 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 एक दिन मैं ही तुमको दिख जाऊं।